जस्ट अभी उठाऊँ। एंड अभी कितने बज रहे हैं? अभी 8 बज रहे हैं। आज शायद 8 से 9 क्लास नहीं थी, आज जाएंगे कॉलेज जो कि रोज़ ही जाते हैं। एंड ठीक है, आज उन सब के लिए मुझे शुरू से जानी पड़ेगी क्लास, पहली क्लास ही अटेंड करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी क्लास है, फिर उसके बाद पोस्टिंग है। पोस्टिंग अभी मेरी PSM में लगी हुई है। तो PSM की पोस्टिंग में क्या होता है, लाइक पढ़ाएंगे या फिर हमें कहीं बाहर ले जाएंगे। बस आज मेरा पैथ का एग्ज़ाम भी है। एंड आपको तो पता ही होगा कि लाइक मैं बहुत टाइम से PrepLadder यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में भी दिखाऊँगा कि लाइक क्या स्ट्रैटेजी या किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। तो ओके, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, थोड़ा सा पढ़ा है उसके लिए। बट आपको पता है पोस्टिंग मेरी होती है मैं लाइक 9 से 12 तक होती है पोस्टिंग। एंड 12 से 1 नॉर्मल क्लास होती है। एंड 2 से 4 डिपेंड करता है कि कौन सा दिन है। अगर पैथ वाला दिन है तो पैथ के लैब वो सब होता है। एंड माइक्रो का है तो माइक्रो का होता है। एंड फार्मा का है तो फार्मा का होता है। राइट गाइस, सब सो रहे हैं और तू सुबह सुबह पढ़ रहा है। चलो नाइस। पहले यहाँ पे आ चुका था और पहले मैंने इसे देखा था कि ये पढ़ रहा है। मैंने बोला आप बुक खोल के बैठ जाओ, हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, मैंने इसे बोला कि देख मैं पढ़ मत, मैं ना एग्जाम के लिए मत पढ़, मैं ना आ जाऊँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा, सब कुछ बताऊँगा कि तू पढ़ रहा है। ये बंदा तब भी पढ़ ही रहा था। इतना मतलब वो है, अब एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना होता है। तो जैसे कि अभी आज 2 से 4 एग्ज़ाम है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज़ कर ही लेते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा तो आता ही है, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ओके चलो। तो वैसे तो मैंने एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है, पर अपनी प्रोग्रेस को जानने के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ही लेता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं PrepLadder ऐप बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। देखो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम के पहले उस टॉपिक का जल्दी से एक क्विक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेता हूँ, जिससे मेरा एक क्विक रिविजन हो जाता है। और सच बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, क्योंकि आप एग्जाम के पहले तो सब कुछ रिवाइज कर नहीं सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेता हूँ, जिससे मेरे को डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग में मुझे एक चीज सबसे बढ़िया लगती है कि सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हर एक ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन में एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सच बताऊँ तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे मैं एज अ टेक होम मैसेज की तरह यूज करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ प्रोवाइड करी जाती है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद मैं एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दे देता हूँ, जिससे मेरा जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाता है। और अगर कभी मुझे इनसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो मैं उसे अलग से एक हैंडबुक में लिख लेता हूँ, ताकि मुझे वो इजीली याद हो जाए। तो आज के पेपर के लिए इतना काफ़ी लग रहा है, तो जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। तो हो गई है, एंड अब जल्दी से कॉलेज के लिए चलता हूँ, थोड़ा चेंज वेंज करता हूँ। ओके डन। हो गया हूँ PSM की पोस्टिंग के लिए, पर ठीक है। वैसे पहला दिन ही है तो PSM की पोस्टिंग में क्या ही कराएंगे, बस थोड़ा लेक्चर ही होगा। बट मैंने सुना है कि PSM वाले थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो जल्दी से मतलब बंद कर देते हैं एंड फिर एंट्री नहीं देते और अटेंडेंस काट लेते हैं। पर ये तो मैंने सुना ही है, बस देखते हैं। अच्छा वाला 236 सर 200। अभी क्लास ख़त्म हुई है एंड अभी थोड़ी जल्दी से क्लास ख़त्म हो गई थी, तो मैं थोड़ा डीसी खाना खाने चला गया। अभी 12 बजे से क्लास है तो 10 मिनट बाकी है, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा हॉस्टल ही चला जाता हूँ। खैर अब हॉस्टल जाकर तो क्या ही करना था 10 मिनट तक, तब भी चला ही जाता हूँ हॉस्टल ऐसे ही देखने के लिए, थोड़ा आराम कर ही लेता हूँ, क्या ही कर सकते हैं। तो आ गए एंड अभी 12 से एक क्लास है एंड 12 से एक अभी क्लास में जाएंगे। आज पीएसएम की पोस्टिंग थी तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा सा, पीएसएम की क्लास थी एंड पीएसएम का मुझे लगा पोस्टिंग वोस्टिंग होगी, बट आज इंट्रोडक्शन क्लास था बस। और पता क्या हुआ, फर्स्ट क्लास थी तो लोग बोल रहे थे कि ना पीएसएम वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक कि अटेंडेंस नहीं देते। मैं जल्दी चला गया और उसको जब मैं गया ना सिर्फ 8-9 बच्चे थे, लिटरली सिर्फ 8-9 बच्चे थे। और फिर मुझे लगा कि मैंने जल्दी आके क्या ही कर लिया। फिर उसके बाद प्रोफेसर आए, प्रोफेसर ने बोला जितने लोग हैं उनके अटेंडेंस ले लो और बाकी सबके एबसेंट। तो ये एक सेक्सी सीन हो गया मेरे साथ, ये भी सही है। पर आज पीएसएम में हमें ये मिला, पहली बार कॉलेज ने कुछ दिया अपने टूवर्ड से, कॉलेज ने दिया है अपने टूवर्ड से खर्चा करके दिया है। तो ये चीज़ बोली उन्होंने 7 सेमेस्टर तक चलानी है, जो 7 सेमेस्टर हाँ उन्होंने बोला ये 7 सेमेस्टर तक चलनी है। उन्होंने कहा कि खुद खो जाना बट इसको मत खोना। पखारिया चल क्लास चलते हैं, ओके चल पखारिया चल, अटेंडेंस नहीं मिलेगी फिर। और ये आर का है, ये अभी मैं ना मतलब अभी क्लास से वापस आया था और मैंने टॉयलेट में देखा ये अभी मूड हो रहा था, तो इसकी गुड मॉर्निंग अभी हो रही है। आर का ऐसा क्यों? रात को 6-7:30 बजे सोया था। क्यों ऐसा क्यों? रात को क्या कर रहा था? क्योंकि मैं रात को पढ़ता हूँ। पढ़ता नहीं है, रात को 6:30 नहीं होते वो सुबह के साथ। भाई असुर आया था अभी, असुर देख रहा था, असुर नहीं देखा। हाँ भाई शक्ल देखो। और क्या कह रहा था? सीताडेल सीताडेल देखूंगा। हाँ भाई पोस्टिंग कौन जाएगा फिर? स्टार्ट नहीं हुआ तो आज की अटेंडेंस तो तेरी नहीं लगी होगी फिर। आज तो स्टार्ट हुआ था, आज पहले दिन था। अटेंडेंस लग गई तेरी? कैसे? तू तो गया ही नहीं। कनेक्शन करेक्ट। क्या क्या कहना चाहता है? मैजिक क्या क्या नहीं सब नहीं बताना। ओके ओके सावन यस, आज के पेपर की तैयारी हो गई। तैयारी तो ज्यादा कौन सा पेपर है सावन? मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, तो पहले से लगा हुआ था। ख़त्म हो गया एंड आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है। आज एग्ज़ाम था बट एग्ज़ाम के बारे में तो क्या ही कहूँ, पढ़ने का फ़ायदा नहीं था। वैसे चीटिंग भी बहुत ऐसे हो रही थी, लाइक ओपन चीटिंग हो रही थी। हम बैठ गए थे लाइक लोग तो ChatGPT से उसमें डाल के आंसर्स सर्च कर रहे थे, नोटबुक के नीचे खोल ली थी। लाइक छोटा मोटा पेपर होते हैं बीच बीच में, तो लाइक इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, तो ज़्यादा कोई पढ़ के भी नहीं आता। तो ठीक है, ठीक ठाक हो गए। ओके अभी हॉस्टल जा रहा हूँ तो मिलता हूँ। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पवित्र ये क्या खा रहा है? पीनट बटर। ओह माय गॉड मसल्स। अब पीनट बटर में ये क्या है? पवित्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई चोरी हो जाते हैं पीनट बटर। भाई देख मैं पखारिया डांगी भाई 3 पीनट बटर है, लोग किसी के मेरा आधा हो गया, पता नहीं मैं खाया भी नहीं। कसम से मैंने भी ब्रेड रखा हुआ था, मैंने बस 1 टुकड़ा खाया ब्रेड का, बाकी खत्म। कौन ले जाता है ये ब्रेड? ये किसकी ब्रेड है? मैं हमेशा अपनी ब्रेड लाता हूं। हां भाई आज ही लिया है उसने। हां हां ठीक है भाई सही है। ओके नाइस। आरका कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं मुझे? जिम। क्यों? तो जिम जाना चाहिए। तू जीबी रोड पे है। अरे नहीं ये तो आएगा अदर, अदर की मम्मी पापा आए हुए हैं। तू दिखा देगा बॉडी रोज, पता है ये बंदा रोज सुबह पोस्ट करता है बाइसेप्स का। हाँ अगर आप इंस्टा पे अगर इसे फॉलो करते हो तो देख सकते, ये हम काट देंगे, कोई फॉलो वॉलो नहीं होने वाला है। एंड ये रोज सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता है। एंड दिखा दे, तू दिखा दे के सामने मैं पे। आरका के देखो भाई, आरका ये क्या कर रहा है, कौन सा पोजीशन है? ओह नाइस, ये तू दिखा दे ओरिजिनल मैं आपको एक जिम फ्रिक से बताने वाला हूं जिसे कट्स इतने ज्यादा हैं कि हम जैसे नॉर्मल लोग आंखों से नहीं दिखा सकते। आगे को दिखा दे, ये वो है रविंद्र गोयल, फ्लेक्स कर दे अर्का, अर्का कट्स तू फ्लेक्स करिए, वो कट्स दिखाएगा। डिफाइंड नहीं, मैं पवित्र वेस्कुलैरिटी वेस्कुलैरिटी दिखने वाली है। एक बार दिखा, एक बार कर रखा है वैसे, आपको लग रहा है एक्टिंग कर रहा है, एक बार कर कट्स। हाँ तो इसे हटाते हैं। और तो ये इधर से लेके लाइन जा रही है पूरा इधर तक। ओके आपको दिख रही होगी, ये ट्राइसेप का हेड हो गया। और इधर आपकी ब्रेक्यू रेडियस जो इधर भाई पूरी दिख रही है आपको। हाँ। इंसर्शन तक दिख रहा है, देखिए तो इंसर्शन भाई ये हमें क्यों नहीं दिख रही, बस जैसे कि वो बस इनका पवित्र रिश्ता है, इसके कारण बस इन दोनों का फेमस रिश्ता है। ओके काटा पड़ेगा। मैं ये लोकेश के लिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे रूम में इन्वेजन कर देता है। और फिर ऐसे गेम खेलने लग जाता है, सबके नाम ले अभी लोकेश जैसे। मैं तो आता हूँ। ये सब रूम इन्वेडर्स हैं यहाँ पे, ये देखिए जैसे अभी है। और मैं इस चीज की बैक स्टोरी बोल दूं कि अभी हमारे जो लोकेश है उसने अभी पूरी क्या पढ़ रहा है, वो जय श्री राम क्या पढ़ रहा है, भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता हमारे भ्राता पढ़ रहे हैं अभी। एंड अभी उसका थोड़ा इफेक्ट चालू है तो इसी राधे अच्छा तो इसी इफेक्ट में अंश कुछ बोलना चाह रहा था। अंश मैं बोल रहा था कि महाराष्ट्र में है ना संत गाडगे बाबा। वाह वो बोलते थे अरे ठीक है ओके नाइस चलो। देखो मतलब एक्चुअली उल्टा में ऐसे लाइंस थोड़ी इधर उधर कर। हाँ ठीक है कोई नहीं। हाँ अरे यार प्लीज यार बोलने दो प्लीज, ओए कम ऑन यस चल। हाँ तो चलो अंश चलो कोई नहीं हंस रहा है चलो। इरशाद हाँ लोकेश और आरका के लिए बोलना चाहूँगा। हाँ आरका के लिए अच्छा, ऐसी बातें बोलिए कोई ना बोले झूठ। हाँ ऐसी बातें बोली है कोई ना बोले झूठ, ऐसी जगह बैठी है कोई ना बोले झूठ। भाई शाबाश आपने आप सब बोला ही नहीं आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो चुकी है, समझो बस मरने की देरी है। तो हम रात के कितने बज रहे सौम्यम भाई? रात के 3 बज रहे हैं। इस भाई ने 1:30 बजे ऑर्डर कराया, एक बोलता है बहुत अच्छी जगह है खाएंगे, रोल्स है। हमने ऑर्डर कराया 3 बजे तक, अभी भी नहीं आया, ऑर्डर ही कैंसिल हो गया भाई। फिर हमने सोचा चलो ठीक है। बात ये भी ना जो भाई वो सब सही था, डिलीवरी वाले ने कमी भाई, डिलीवरी वाले ने पता है क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। हमारी डिलीवरी पहले किसी और को दे के आ गया और लाइक यहाँ पे जब आधे वे में आया तब पता चला कि डिलीवरी वो एक्सचेंज है। तो मतलब अदर वे अराउंड होता भाई, मतलब उन्होंने हमारे रोल्स भी खा लिया एंड उनको अपनी डिलीवरी मिल गई। सोचा चलो ठीक है मैगी बना लेते हैं। अब मैगी में भाई 10 मिनट हो गए उबला ही नहीं पानी भाई ये पानी नहीं उबल रहा भाई। जब ये चीज़ पानी नहीं उबाल सकती तो भाई हम मैगी घंटा खाने वाले हैं, क्या करें भाई। हमें व्लॉग एंड करना पड़ रहा है भूखे पेट, पर ठीक है पानी पी के सो जाते हैं। बता पानी पी के सो जाते हैं, लेकिन मैंने पानी ले लिया तो ये पानी पी के सोना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई। रात के 11 बजे तुम सोने जा रहे हो, क्या बात है। हमारे ग्वालियर में 8 बजे सो जाते हैं। अभी पता है कितना है, अभी 3 बज रहे रात को। क्या रात के 3 बज रहे अभी? हाँ तो उठ जाते ग्वालियर में इस वक्त। और तुम 2 बजे हॉस्टल क्यों आए हो? हम सो के रात में। तुम सोने जा रहे हो क्या है बुढ़वक। अरे ये सब तो हम ना बचपन में कर चुके हैं। बुढ़वा लिट्टी चोखा खाओ यार ससुरा। ए भाई ये किसका हेडफोन ले लियो? ये आपका है। चलो ठीक है, इतना ही था। चलो ठीक है, आज का दिन वैसे ठीक ठाक ही था एंड अच्छा हुआ मैं PSM में जल्दी चला गया, मुझे अटेंडेंस भी मिल गई एंड पेपर भी ठीक गया एंड ऑब्वियसली सबका ही अच्छा गया क्योंकि मीटिंग तो बहुत अच्छे से हो ही रही थी ऑब्वियसली। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आया एंड ब्लॉग बना के एंड कंसिस्टेंसी अब मेंटेन होगी, ब्लॉग में भी कह रहा था मेंटेन होगी एंड चलो मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। चलो मैगी के वास्ते ऐसे करोगे तो कौन देगा? से अच्छा तो हो ही रहा है, ऐसे हंसोगे तो कौन देगा बताओ तो। ये भाई पर चलो ठीक है, खुला था या नहीं था? ओ भाई पचौड़ी खाओगे क्या तुम? कचौड़ी पचौड़ी 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 ये अपना यार हो रहा है। भाई पचौरी को काहे तंग कर रहे हो तुम? नहीं अब तो हमें वहीं से लेना पड़ेगा यार। नहीं यार तुम लोग गलत कर रहे हो पचौरी के साथ।